बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रारंभ कर रहा हूँ क्लास टेंथ के। शुरू में हम आसान चलेंगे लेकर इजी, और धीरे धीरे हम उसका लेवल अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मैंने आपको सारी चीज़ें निकलवा दी हैं, सिखा दिया है किस तरीके से एंगल की अगर दिया है तो किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो भी मैंने कहा था ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। आप देखिए सवाल, देखिए ये दिया है, गिविन है, पहला सवाल है, बहुत आसान तरीका है, सीखिएगा। cos 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से हम cos 3 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। कोई लड़का मुझे बताएगा या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कॉज में, यहाँ हम ऐसा देखेंगे कि कॉज में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज में ही √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ट्राइंगल निकालने का तरीका, ये 30 का 60 का 90 का 0 का ऐसा बना लीजिए। तो कॉज में देखिए √3/2 कॉज में, 60 में कॉज की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका मतलब cos 30, तो यहाँ लिख दीजिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 30। अब जब रेशो बराबर होते हैं तो उनका एंगल्स आपस में बराबर आ जाते हैं, तो ये 3 थीटा, ये 30 डिग्री है, तो 3 थीटा यानी कॉस से कॉस कट जाएगा एक तरीके से, लेकिन काटते नहीं हैं हम, एंगल को बराबर रख देते हैं वैल्यू कॉस की। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 30, तो थीटा क्या आया, 10 डिग्री आंसर आ गया। पहला सवाल आया समझ में, कुछ नहीं था भाई, मैंने ऐसे 2 cos 3 थीटा था तो cos 3 थीटा को करा, कॉज में ही वैल्यू √3/2 की ढूंढी कि किसकी है, वो ट्राइंगल आप कुछ बताएगा सारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ sin x + cos y = 1 एंड x बराबर 30, वेयर y इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। छोड़ दीजिए इसको, बाकी लैंग्वेज को, x की वैल्यू 30 रखिए, चलिए तो x की वैल्यू रखिए sin 30, x की 30 दे रखी है, प्लस cos y ऐसे ही रहने दीजिए = 1। ये 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है, sin 30 पे आइए 1/2 करिए, 1/2 हमें याद नहीं करना, तो ये देखिए 1/2 प्लस cos y = 1, तो cos y की वैल्यू क्या आएगी, = 1 - 1/2, यानी cos y की वैल्यू क्या आई, 1/2। अब cos में ही मुझे 1/2 चाहिए, तो cos में 1/2 किसकी होती है, 60 की, देखें cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60, तो लिख दीजिए cos y = cos 60 डिग्री, therefore cos से cos एलिमिनेट हो गया तो एंगल बराबर आ जाते हैं, तो y = 60 डिग्री, दिस इज आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड भी दिखाते हैं, पहले आप ये 2 क्वेश्चन समझिए। कुछ नहीं था, वैल्यू रखनी है, केवल केवल वैल्यू रखनी है, मैंने वैल्यू रख दी, साइन एक्स की वैल्यू दी है एक्स 30 रख दिया, साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2, कैसे पता 1/2 होता है, ट्राइंगल बता रहा मेरे, तो ट्राइंगल लॉजिक है, हमें याद नहीं करना, ट्राइंगल बता रहा मैंने, इसलिए आपके समझाने के लिए ट्राइंगल बना दिए छोटे छोटे। 1/2 करा cos y को, 1/2 को उधर लेकर cos y की वैल्यू निकाल ली, वो आई 1/2। अब cos y की वैल्यू 1/2 आई, मुझे तो एंगल y पूछ रहा है, तो cos में ही 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की, देखिए उधर, तो cos से cos एलिमिनेट हो गया, एंगल बराबर एंगल आ गया, तो y बराबर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या, इफ़ साइन a प्लस बी, अच्छा ये भी इसी तरीके का लग रहा है, साइन ब्रैकेट में a प्लस 2b किसके बराबर है, √3/2 के, और दूसरी वैल्यू क्या दी है, cos, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन a प्लस बी √3/2, साइन में ही √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3/2 ये तो cos की है भाई, साइन में तो 60 की होती है, देखिए साइन में, तो यहाँ लिख दीजिएगा, इस आप ऐसा लिख दीजिएगा साइन
ए प्लस टू बी इज इक्वल टू साइन 60। लिख दिया, कोई दिक्कत? साइन से साइन एलिमिनेट हो गए, एंगल आपस में बराबर आ जाएंगे, तो क्या आएंगे, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गई एक इक्वेशन, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी देखिए क्या कहा, दूसरा कहा कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। बस कॉस में ही जीरो वैल्यू देखनी है, तो जीरो वैल्यू तो ना 30 में, ना 40 में, 5 में, ना 60 में आती है। जीरो वैल्यू जो आती है या तो 90 में आएगी या 0 डिग्री के एंगल में। तो कॉस में वैल्यू देखनी है, तो कॉस मैंने ये 90 का एंगल बना रखा है, कॉस में देखिए 0/1 भाई कॉस 90 का, ये 90 का एंगल कैसे बना, 90 का बना जीरो के सामने की साइड जीरो होती है, कल सिखाया था आपको, सिखाया था जीरो के सामने की साइड जीरो होती है, तो 1 1 रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। चलिए कोई बात नहीं, वो तो अलग लॉजिक हो गया। अब जब मेरा ट्राइंगल तैयार है तो कॉस की वैल्यू देखे 0/1 यानी 0 आई, तो मैं लिख दूँ यहाँ 90। चलिए तो कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू, मुझे कॉस में ही चाहिए, मुझे कॉस में ही वैल्यू चाहिए, तो कॉस में वैल्यू जो है कॉस 90 आया। अब एंगल से एंगल बराबर आ गए, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गई ए प्लस 4b इज इक्वल टू 90। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली और दूसरी इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या किसी मेथड से भी, और ए बे की वैल्यू निकाल लीजिए। अब तो कुछ नहीं, मेन मुद्दा इसमें यही था कि अगर साइन ए प्लस 2b बराबर √3/2 तो साइन में ही मैं √3/2 वैल्यू देखूंगा, तो साइन में ही वैल्यू √3/2 साइन 60 की होती है। 60 की लिख दिया, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, एंगल आपस में बराबर आ गए। दूसरी क्वेश्चन थी कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या करा, कॉस में ही मुझे 0 वैल्यू देखना है, किसकी आती है 0 वैल्यू है 0, तो फिर क्या करा मैंने, 0 को देखा किस में होती है, तो वो लिख पता लगा कॉस 90 बराबर 0 होती है, वैल्यू 0, ठीक है। तो अब क्या करा, कॉस 90, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, एंगल आपस में बराबर आ गया, आगे दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, लिखो ए प्लस 2b इज इक्वल टू 60 और ए प्लस 4b इज इक्वल टू 90। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो चलो भाई सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट में क्या होता है, ऑन सबट्रैक्टिंग में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर दीजिए। ये कट गया, माइनस के 2b आया, इज इक्वल टू माइनस के 30, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, बी बराबर आ गया 15 डिग्री आ गया बी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो बी की 15 रखेंगे तो ए प्लस इसमें रख दीजिए, लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ए बी बराबर 15 इन इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो लिख दो कोई बात नहीं। तो चलिए, तो ए प्लस 2 इंटू बी 15, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, तो आपको आना चाहिए। तो ए बराबर क्या आया, 15 × 30 उधर जाएगा तो 30, तो ए बराबर भी आ गया और बी बराबर भी आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। केवल इन सवालों में ये ट्राइंगल की हेल्प लेनी है आपको, अगर आप वैसा करोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको तो ये देखना है कि मुझे साइन में ही √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये हमेशा याद रखिए, ये 30 या 60 में आएगा, √3/2 90 में और 0 में नहीं होते, और 45 में 1/√2 आता है या 1 आता है, तो याद रखिए √3 जिसमें भी है वो 30 और 60 में, तो या तो 30 होगा या 60, तो मैंने ट्राइंगल देखा 60 आई। इसी प्रकार ये देखिए 0 आया वैल्यू, 0 वैल्यू किस में होती है, या तो 0 में होगी या 90 में होगी, तो यहाँ 90 में पकड़ में आया, तो मैंने कर लिया, फिर दो इक्वेशन आई सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आप इसको पहले समझ लीजिए। चलिए बच्चों, समझ में आया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हाई है थोड़ा सा। इफ़ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी, देन प्रूव दैट sec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। जब भी कभी sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा आता है,
ये प्लस है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो मैं sec थीटा माइनस tan थीटा एक इक्वेशन और निकाल लूंगा। दो वेरिएबल हैं इसमें, sec थीटा और tan थीटा, और मुझे sec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझको एक इक्वेशन और चाहिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल के लिए चाहिए, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो हमको sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p दिया है, तो मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँ किसी तरीके से, तो आ जाएगा। वो आएगा, हमेशा याद रखिए, जब भी कभी sec थीटा प्लस tan थीटा p दिया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p आएगा। कैसे आएगा मैं सिखा रहा हूँ अभी। या sec थीटा माइनस tan थीटा दिया है पी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा यानी उसके अपोजिट साइन वाला 1/p आएगा। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² θ। ये आइडेंटिटी के सवाल हैं, sec² θ होती है, पढ़िए बच्चे ना सबने। चलिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 10² उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा sec² θ माइनस 10² θ इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके मैं ब्रैक कर लूँ, दो ए प्लस बी ए माइनस बी भाई a² - b² है, बीच में माइनस का साइन है, आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec θ प्लस 10θ और sec θ माइनस 10θ। बोलो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। मैंने तो वही कुछ नहीं करा अपने तरफ से, तो कुछ नहीं। अब sec θ प्लस 10θ की वैल्यू आपको p दी है, तो चलिए साहब p रख दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में, ये रख दीजिए sec θ माइनस 10θ इज इक्वल टू 1। sec θ माइनस 10θ की वैल्यू निकाल लीजिए, निकल गई sec θ माइनस 10θ इज इक्वल टू 1/p। यही मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर sec θ प्लस 10θ की वैल्यू p है, तो sec θ माइनस 10θ की वैल्यू 1/p आएगी। यदि sec θ माइनस 10θ की वैल्यू p है, तो sec θ प्लस 10θ की वैल्यू 1/p आएगी। तो ये निकालने का तरीका, लेकिन आपको स्कूल में निकाल के दिखाना पड़ेगा। मैंने तो आपको जमाने याद करा दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गई आपकी, एक इक्वेशन तो हुआ ही आपकी जो गिविन है, वो लिख लीजिए। चलिए पहले तो ये दिया था sec θ प्लस 10θ, ये दिया था p के बराबर दिया था ये, और दूसरी आपने निकाल ली sec θ माइनस 10θ। भाई दो इक्वेशन क्यों निकाली, ये आई 1/p। भाई दो इक्वेशन इसने निकाली क्योंकि दो वेरिएबल है, मुझे sec θ की वैल्यू और 10θ की वैल्यू दोनों निकालनी पड़े अगर, तो मैं दोनों ऐसे निकाल लूँ। डायरेक्ट sec θ की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, या डायरेक्ट 10θ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसको आप ऐड और सबट्रैक्ट कर दीजिए। हम क्या करेंगे, हम जो हम चाहते हैं कि हमको sec θ की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो sec θ की वैल्यू के लिए तो हम ऐड कर दें, ऑन एडिंग ऐड करोगे कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 sec θ इज इक्वल टू p प्लस 1/p। बोलो साहब आ जाएगा p प्लस 1/p आ गया, ठीक है। sec θ की वैल्यू आ गई आपकी, अब क्या करना था, sec θ की वैल्यू आ गई, तो क्या होगा ये 2 sec θ। और चलिए सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये तो आपको p² LCM ले लीजिए, LCM ले लीजिए, p² प्लस 1/p आ गया, तो sec θ की वैल्यू क्या है, 2 नीचे ले जाइए, sec θ इज इक्वल टू p² प्लस 1/2p। हमेशा याद रखिए, देखिए आंसर आ गया, हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी सवाल, बहुत सवाल होते हैं इस तरीके के जिसमें sec θ माइनस 10θ आता है, हम उसको ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सॉल्व करते हैं। हमने ये आइडेंटिटी निकाली 1 के बराबर, इसके दो फैक्टर करें, दो फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू मुझे p दी थी, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक ये आ गई, एक ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई। पहले एक तो ये आ गई, ये पहली इक्वेशन थी, गिविन थी, और ये दूसरी इक्वेशन आपने बना, इनको सॉल्व कर लिया। लीनियर इक्वेशन के चैप्टर आपने पढ़ रखा है 10th में, उसी हिसाब से लीनियर इक्वेशन से हमने एलिमिनेशन से करते हैं हम अधिकतर, तो समझ में आया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल कराता हूँ, समझ में आया, चलिए दूसरा। फिफ्थ क्वेश्चन, cosec θ प्लस cot θ बराबर p, देन प्रूव दैट cos θ इज इक्वल टू, बिल्कुल यही है सवाल, आपकी आइडेंटिटी होगी। एक ही इक्वेशन दी है p की, तो मैं यहाँ cosec माइनस cot की 1/p निकाल लूँगा, दो को सॉल्व कर दूँगा, cos θ की वैल्यू निकाल लूँगा, लॉजिक यही है। तो देखिए देखिए आइडेंटिटी बनवाइए, चलिए तो बनाइए 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, मैं बेसिक से चल रहा हूँ। तो यहाँ से वन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आ गया। अब इसके दो फैक्टर कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, दूसरा आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पी दी है मैंने, यहाँ पी रख दिया और ये ऐसे ही रहने दिया। मेरी इक्वेशन आ गई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आ गई। अपॉन पी नीचे आएगा। अब दो इक्वेशन हो गए मेरे, उसको पहले की तरह सॉल्व कर लीजिए। कर लीजिए सर, पहले इक्वेशन क्या दी थी, कॉट सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजिक्वल टू पी, ये दिया था। दूसरी हमने निकाल ली, क्यों निकाल ली, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे दो ही इक्वेशन की ज़रूरत है। एक मैंने अपने आप निकाल ली, किताब में दे नहीं, उनने नहीं दिया, हमने निकाल ली। तो देखिए दूसरी आई, अब इसे देखिए क्या पूछ रहा है वो, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा के लिए तो बेटा तुम अगर कॉसेक निकाल लोगे तो ज़्यादा साइन पता कर सकते हो, और कॉट निकाल लोगे तो कॉस बेटे साइन, तो वहाँ साइन की वैल्यू रख देंगे तो कॉस क्या, इसलिए हमको दोनों वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू। तो चलिए साहब दोनों वैल्यू चाहिए, तो एक दफ़ा तो मैं ऐड कर दूँ, एक दफ़ा ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, दो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी, आ गया। अब एक दफ़ा इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करने के लिए आपको मैं लिखना पड़ेगा मुझको, तो देखिए दोबारा आपको सिखाते हैं। तो ये एंड फिर लिख लीजिए, चलिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इन इक्वेशन को दोबारा उतार लीजिए, अब मैं सबट्रैक्ट करूँगा, जब सेपरेट करूँगा तो साइन चेंज होंगे, हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा टू कॉट थीटा इज इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी, ये दो वैल्यू आ गई मेरी, आ गई। अब आप देखिए कैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहीं आके आप निकाल के दिखाते हैं। कॉसेक थीटा देखिए टू कॉट थीटा, ये दूसरी वैल्यू है, टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो टू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था, पी माइनस वन अपॉन पी डिवाइडेड बाई टू कॉसेक थीटा, मुझे ये कॉस की वैल्यू निकालनी, अगर वो कुछ कहता कॉसेक की वैल्यू निकालो या साइन थीटा की निकालो तो, या टेन थीटा की, तो डायरेक्ट आ जाती है, यहाँ कॉस की नहीं आ रही, तो ये क्या आएगा, बटे पी प्लस वन अपॉन पी, दो से दो कट गया, कॉस थीटा और साइन कॉसेक थीटा को ब्रेक कर लीजिए साइन और कॉस में, तो कॉस थीटा मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन वन अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, मैंने सब सिखा रखा है, इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, ठीक है, आ गया। इसे उलट दीजिए, जब एक हो तो उलट देते हैं, तो देखिए आ गया आंसर आपका यहीं पर। तो देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे वन इज इक्वल टू, इसे भी पलट दीजिए, तो पी स्क्वायर
माइनस वन अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आ गया। ये पी से पी कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या आया कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आंसर आ गया। जो तुम्हें कह रहा था प्रूफ करने को आपने प्रूफ कर दिया, देखिए पी स्क्वायर कुछ नहीं है सवाल में, वही है। आप समझिए क्या कभी sec थीटा प्लस tan थीटा हो या cosec थीटा प्लस cot थीटा का सवाल हो तो हम आइडेंटिटी बनाते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हमको पता है, यहाँ से हमने वन की वैल्यू लिखा दी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसके दो फैक्टर करें ए प्लस बी ए माइनस बी करके, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू दी थी मैंने, वैल्यू रखी और एक दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी वन अपॉन पी, ये वाली एक इक्वेशन मेरी ये आ गई और एक मुझे दी थी, ठीक है। अब मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, क्योंकि यहाँ मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे आप एक्स और वाई की इक्वेशन करते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकालते हैं वाई की भी निकालते हैं, तो यहाँ मैंने कॉसेक की भी निकाली एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सबट्रैक्ट करके कॉट की निकाली, और फिर कॉट और कॉसेक को डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने आगे का सोचा कि कॉस कैसे आ सकता है, कॉस आ सकता है जब मैं इसे डिवाइड करूँगा, ऊपर कॉस बैठे साइन वन अपॉन साइन, साइन ऊपर रिवर्ट जाएगा, साइन कट गया कॉस आ गया, तो कॉस का ठीक है। चलिए अब और अगला सवाल कराते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फोर्थ तो फिफ्थ हो गया, अब सिक्स का नंबर है, सिक्स तो भाई सिक्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए कॉसेक थीटा बराबर पी, अच्छा, और बी कॉट ए बराबर क्यू, चलिए लिख लीजिए, ए कॉसेक ए इज इक्वल टू पी, और क्या दिया, दिया क्या है बी, ये दिया है और हमसे प्रूफ करा रहा है ये, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये कॉसेक ए की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कॉसेक का कॉट है तो आइडेंटिटी लगाएंगे अभी वाली, देखिए तो कॉसेक ए की वैल्यू निकालिए पी अपॉन ए, यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकालिए, सोचा करो सवाल को, हर सवाल में अपने आप सोचेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके अंदर कॉट स्क्वायर आएगा। अरे भाई आइडेंटिटी तो होती है, अभी अभी तो करी है, कौन सी आइडेंटिटी करी है भाई, करी थी हमने वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी थी ये इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा थी ये, तो यहाँ से वन की वैल्यू निकाल लो, वन लाना, तो देखो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो अभी लिखी थी वही है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए तो ये क्या आएगा पी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट की क्या है क्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, इसे खोल लीजिए, तो खोलेंगे तो यही आएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कितनी जल्दी हो गया, देखने में बड़ा भारी सवाल लग रहा, बच्चे समझ रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, अगर आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी का उपयोग करो, देर आर थ्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखे कितना, ये तो दो स्टेप में हो गया, ये तो दो नंबर का सवाल लग रहा है, दो नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है सेवन्थ पे, सेवन्थ पे दिया है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द, भाई बड़ा सवाल मुश्किल है, इफ़ साइन थीटा कॉस थीटा दिया है और टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा, देखते हैं भाई टेन थीटा प्लस कॉस थीटा से शुरू करो, इफ़ का उपयोग बाद में करेंगे। चलो हमसे पूछ रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है इसके निकालने के लिए, और साइन थीटा कॉस थीटा दिया तो पहले इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। चलो भाई तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये तो आपको पता है
या ये भी बताना पड़ेगा? नहीं, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो ये साइन किस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो अभी बताया था कि ये आइडेंटिटी है, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, बच्चा बच्चा जानता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो मत पढ़ो, बच्चों को ये पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है, प्रैक्टिकल देखिए, मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, क्या ये वन के बराबर होगा? बोलो, होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आ गया। देखो बेटा समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की थीटा यहाँ दोनों वैल्यू, अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 होगा तब वन के बराबर होगा, अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो गया तो वन के बराबर नहीं होगा। तो याद रखिएगा दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ये वन के बराबर हो गया, तो ये क्या आया? ये आ गया वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी है, अब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की तो वैल्यू नहीं पता, तो वो विद दी हेल्प ऑफ मैं उससे निकालूंगा साइन थीटा, इससे ये गिविन है, ये गिविन था, इसकी हेल्प से मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं। चलो भाई देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 दिया हुआ, दिया है भाई मुझे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बच्चे इसी के अंडर रूट 2 लिख के 1/√2 कर जाएंगे। बेटा ये प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई में आई है, तो मैं क्या करूँ? तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, शायद हो जाए, देखो तो लिख दो स्क्वायर बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, करिए साहब इसका स्क्वायर करिए। तो ये ऐसे तो लिखोगे आप, ऐसे तो लिखो, खोल दीजिए ए प्लस बी का स्क्वायर। चलिए साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2। भाई ये तो वन हो गया, ये क्या हो गया? ये तो वन के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं वन रख दूं, तो 1 + 2 कॉस थीटा है, तो देखो रखो, चलो भाई 1 तो 2 कॉस थीटा, 1 को उधर ले जाओ, वन आ गया, आ गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या है? 1/2। बस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मुझे ज़रूरत थी, मैंने यहाँ रख दूंगा, अब मैं यहाँ रख सकता हूँ वैल्यू, रख के दिखाऊँ। चलो तो क्या होगा? 1/1/2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आया? 2। तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 आई। हमने पहले यहाँ से चले टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को कह रहा, तो हमने टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइन कॉस में करा, ये आइडेंटिटी थी, ये 1/j आ गया, आ गया। अब मैंने गिविन दे दिया सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप करा हमने, अब सेकंड स्टेप कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में गिविन था हमको, तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा ये तो है ही, इसे तो मैं किसी चीज़ में ब्रेक कर नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आई, 1 को उधर ले गया, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 आ गया इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, मैंने 1/2 रखा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, उतारिएगा। तो बच्चों आपके समझ में आए अभी तक सारे क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - a² देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस ये, यह बड़ा मुश्किल काम है भाई, sec स्क्वायर थीटा इसको और टेन स्क्वायर दिया हुआ, चलो तो टेन स्क्वायर दिया हुआ और sec थीटा की आइडेंटिटी, भाई टेन और sec में कोई आइडेंटिटी होती है? हाँ होती है, कौन सी होती है? टेन और sec में एक आइडेंटिटी तो होती है भाई, कौन सी होती है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले कैसे चलें? इससे चलें, उससे चलें? ये तो मुझे पता है कि मैं टेन स्क्वायर से sec
की वैल्यू निकाल लूँगा। चलो निकालते हैं पहले, देखते हैं, या पहले इसी को कर लें सॉल्व। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, 8th। गिवन क्या है, गिवन है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - a² ठीक है भाई। तो टेन स्क्वायर वो क्या था, 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec²θ। तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, sec²θ - 1 भाई, sec²θ - 1 इज इक्वल टू 1 - a². आप कहोगे साहब ये कहाँ से आ गया, ये आ गया यहाँ से, 1 + tan²θ इज इक्वल टू sec² होता है। तो मैं तो टेन स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या होगी, sec²θ - 1 नहीं होगी, मैंने sec²θ - 1 रख दिया, -1 को उधर ले गया, तो sec²θ इज इक्वल टू आ गया 2 - a² या कुछ कुछ समझ में तो आ गया यार, 2 - a² तो आ रहा भाई, मेरा भी आ गया। इसका मतलब sec θ की वैल्यू और निकाल के देखा मैं, चलो sec θ की वैल्यू निकाली तो 2 - a² का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब 1/2 भाई, ये भी बात सही आ गई, sec θ की वैल्यू आ गई यार। अब मुझे लाना है क्यूब, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है मुझे निकालनी है, ये क्यूब बन जा किसी तरीके से sec का, तो अब आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं भाई गिवन, तो सॉल्व क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, sec θ + tan है, tan क्यूब है और cosec θ है, ये क्या है, ये इसके बराबर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसको उसके बराबर ला के दिखाएंगे। चले साहब करते हैं, सोचिए क्या करेंगे, क्यूब आ गया तो मेरे पास तो आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है, तो कोई बात नहीं, तो sec θ + tan²θ कर दो, देखा जाएगा जो होगा, और इंटू टेन थीटा कर दो और इंटू cosec θ कर दो, कर दो भाई ठीक है। तो चलो +tan² ऐसे रहने दो, देखते हैं भाई इसे सॉल्व करके क्या आएगा, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, ये गुणा में है मल्टीप्लाई में, क्या आएगा, sin θ / cos θ इंटू 1/sin θ आया, साइन से साइन कर गया, 1/cos θ बचा, 1/cos θ किसके बराबर होता है, sec θ के, तो sec लिख दो डायरेक्ट। चलिए तो sec θ + tan²θ इंटू sec θ भाई, ये sec θ कहाँ से आया भाई, 1/cos θ ही तो बचा था यहाँ, तो ये हो गया sec θ। नहीं रख सकता मैं इसकी जगह, मैंने रख दिया। अब क्या देखें भाई, ये तो फंसे पड़ेगा भाई मामला, नहीं आप निकल जाओगे, आप अभी निकल जाओगे, देखो sec θ इधर भी है, sec θ इधर भी है, कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो ये 1 + tan² आएगा, और 1 + tan² किसके बराबर होता है, ये लिखा है sec² के, तो यार ये sec², तो sec θ * sec²θ, तो ये क्या बन गया भाई, ये sec³θ बन गया, भाई sec³θ बन गया, और sec θ की वैल्यू मुझे पता है, तो sec³ आ गया आंसर आपका, क्या आंसर आएगा, sec³θ आया आपका, और sec θ की वैल्यू क्या है, ये है, ऐसे तो रखेंगे, तो अभी सब खोल के अंदर ले जाइए, बस आ गया आंसर, 2 - a² ब्रैकेट में बंद, 3/2 मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट के सवाल है, रेडिकल एंड एक्सपोनेंट के सवाल है, जानते हैं आप सब बच्चे, देखिए क्या करा, कुछ भी नहीं, सवाल को फिर समझिए, भारी सवाल है, देखिए लॉजिक आने वाला सवाल है, बोलता tan²θ बना पाने मुझसे पूछ रहा है ये। अब ये tan² में या तो मैं सारे को कन्वर्ट करूं, सारा तो tan में नहीं होगा, तो मैंने इसको लिया है sec θ + tan², अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, tan² में तोड़ लिया, क्योंकि tan² वाली एक आइडेंटिटी होती है, इसे tan θ क्यूब था ना, स्क्वायर इंटू tan पावर ऐड हो जाती है, कर सकता हूँ इंटू cos, tan को sin/cos और ये 1/sin, साइन से साइन कर दिया 1/cos, बता 1/cos क्या होता है, sec θ,
ये टेन स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, सेक ऐसे, सेक थीटा कॉमन लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगेन सेक स्क्वायर हो गया, सेक थीटा पहले से रखा था ये सेक क्यू थीटा हो गया, और सेक थीटा की वैल्यू मैंने वहाँ से निकाल ली, इफ से ये दिया था तो मैंने यहाँ सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो आइडेंटिटी आपको बताई, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया वन, जे वाला वन उधर चला जाएगा तो टू माइनस, मेरे कान खड़े हो गए, टू आ गया तो काम बन गया, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई टू माइनस ए स्क्वायर आपका हाफ अंडर रूट में, और सेक क्यू थीटा था मेरा, तो मैंने सेक थीटा की वैल्यू जे वाली यहाँ रख दी और उसका क्यूब कर दिया, आंसर आ गया, आया आंसर। चलिए देखिए कैसा बढ़िया सवाल करा है, कितना भारी सवाल था, चलिए आया था एट्थ सवाल समझ में, नाइन्थ देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स बराबर बी सेक क्यूब थीटा एंड वाई बराबर ए टेन थीटा फाइंड द वैल्यू, ये तो आसान है भाई, ऐसा लग रहा है, देखिए देखिए आपको गिविन है, क्या गिविन है, एक्स बी सेक क्यू थीटा, तो भाई यहाँ से मैं सेक क्यू की वैल्यू निकाल लो तो एक्स अपॉन बी आ जाएगा, तो चलो लिख दो एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक क्यू थीटा, आ गई आ गई, दूसरी वैल्यू निकाल लो, चलो ये वैल्यू आ गई आपकी, एक और निकाल लो, क्या दिया है उन्होंने, वाई ए टेन क्यूब थीटा, यहाँ से भी भाई वाई अपॉन ए की वैल्यू निकाल लो, ये आया टेन क्यूब थीटा, आ गई दोनों वैल्यू आ गई आपकी, ये दोनों वैल्यू आ गई, आप देखिए क्या करेंगे हम, एक्स अपॉन बी की वैल्यू आ गई, वाई अपॉन ए की वैल्यू आ गई, तो अब इसमें रख दीजिए, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी की पावर दो बटा तीन माइनस, माइनस क्या है, वाई अपॉन ए की पावर, भाई इसमें तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, इसकी वैल्यू पूछा है, तो एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली सेक क्यू थीटा, निकाल ली एक्स अपॉन सेक क्यू, इसकी पावर क्या है दो बटा तीन माइनस वाई अपॉन ए की क्या वैल्यू है टेन क्यू थीटा, इसकी पावर क्या है दो बटा तीन, एक्सपोनेंट का सवाल है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तीन से तीन कट जाएगा तो सेक स्क्वायर आएगा, देखो फिर देखो देखो, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये आ गया आपका सेक, भाई तीन से तीन कट गया भाई, सेक थीटा का होल क्यूब हो गया ये इंटू दो बटा तीन, तो ये पावर कट गई, तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसे, और पावर बाहर दो बटा तीन थी, तीन से तीन कट गया, तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ गया, भाई ये तो तुम जानते हो कि टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, हैंस प्रूफ, क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी सवाल नहीं था, मैंने एक्स अपॉन बी की वैल्यू निकाली, वाई अपॉन ए की वैल्यू निकाली, जो इक्वेशन दी थी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, ये एक्सपोनेंट का थोड़ा लॉजिक चला, सेक क्यू थीटा आया, सेक क्यू थीटा को सेक थीटा की पावर तीन, तीन इंटू दो, ये पावर बाहर थी, ये पावर कट जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आया, इजी था सवाल, जैसे आपने सवाल अभी तक करे उससे ये आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन से, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो दिया, मुझसे पूछा अंडर रूट में, भाई साहब बहुत आता है ये सवाल दो नंबर में, बहुत भारी सवाल है, क्या करें भाई, चलो गिव इन, इफ माने गिव इन है ये, हम इसकी सहायता से इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए इफ टेन थीटा, गिव इन क्या है, दसवां सवाल हमको क्या गिव इन है, गिव इन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं,
साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर नहीं आने का, आंसर टेन और कॉट का ही पूछ रहा है वो, स्क्वायर में अंडर रूट के। इसका मतलब ये कि इसका ये यहाँ स्क्वायर रखा हुआ है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तब शायद कुछ लेकर क्या है, तो मैं स्क्वायर बोथ साइड करके देखता हूँ, टेन स्क्वायर तो आ रहा है तो देखो स्क्वायर बोथ साइड। भाई क्यों करा, क्यों कर रहा हूँ भाई मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेन थीटा यहाँ पर आंसर में टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ रहा, वो जब ही आएगा जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो करो भाई ए प्लस बी का। चलो भाई ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्क्वायर कर दीजिए। बोलो भाई आ गया, आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ये फालतू की चीज़ आ गई, ये क्या करा है भाई, टेन थीटा और कॉट थीटा की हमने बताया था जब बच्चों को एक वीडियो बनाया था, आप देखा करो, हमने कहा था टेन थीटा कॉट थीटा की शादी हुई थी, उनने कहा था टेन थीटा थीटा वालों ने कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगा, मैं टी टी बनना चाहता हूँ जिसमें टी टी आ रहा हो, टी टी। तो देखिए कॉट और टी टी यानी इसका मतलब ये कि वन होता है, तो देखिए टू टेन थीटा कॉट थीटा, देखिए देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मैं कह रहा हूँ ये वन के बराबर होता है, आप डायरेक्ट लिख दो, बहन जी नहीं मानेंगी तो आप ऐसा कर लीजिए, मैडम नहीं मानती तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन अपॉन टेन थीटा, तो ये कट गया तो ये आ गया नहीं वन। हमने शादी वाला एक वीडियो बना रखा है देखिएगा, जिसमें साइन थीटा की कॉसेक के साथ शादी हुई थी, सेक की कॉस के साथ हुई थी और टेन की कॉट के साथ शादी हुई थी। इसका मतलब यही है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, तो जब भी दिखाई दे तो ये वन के बराबर। तो ये क्या आया, ये आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस दो इज इक्वल टू चार आ गया। अब दो उधर ले जाइए, दो उधर ले जाइए, भाई ये तो आ गया। अब मुझे बुद्धि का प्रयोग करो, मुझे तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ भाई, निकाल सकता हूँ तो भाई स्क्वायर रूट निकाल दो, दोनों तरफ ये दो था, इसका स्क्वायर इधर भी 36 चढ़ा दो और इधर भी चढ़ा दो, आंसर आ गया, आ गया। अब देखिए आप कितना आसान तरीका था करने का, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत आता है ये सवाल। इफ टेन थीटा कॉट थीटा है, मैंने सोचा कि ये टेन स्क्वायर कह रहा है, टेन स्क्वायर तो भाई इसका स्क्वायर करने पर ही आएगा, मैंने साले को इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, कर दो इसका स्क्वायर करा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा कॉट थीटा, बच्चे फिर परेशान हो रहे हैं सर यहाँ टू टेन थीटा कॉट थीटा आ गया, अब टू टेन थीटा कॉट थीटा तो टेन थीटा कॉट थीटा तो वन के बराबर होता है, मैंने वन के बराबर रख दिया तो टू बचा, तो टू को उधर ले गया तो दो आया। अब मुझे लाना आंसर था ये अंडर रूट में, आ गया था लाइए, बच्चे फिर परेशान, अबे इसका स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, आंसर आ गया, आया। चलिए करिए, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनका लेवल भी अप होता जा रहा है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स एंड सेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई तो प्रूव दैट दिस, याद रखिए देखिए ये दिया है प्लस में, यह है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा एक्स स्क्वायर की तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो करते ही रह जाऊँगा, सवाल नहीं होने का। जब भी कभी याद रखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर है और वाई भी उससे मल्टीप्लाई हुआ तो मैं इसको सॉल्व करके इस तरीके से लाऊँ जिसमें प्लस माइनस के साइन हट जाएं, तब मेरी मल्टीप्लाई करने में एकदम सवाल ईजी हो जाए। तो मैं प्लस माइनस के साइन हटाना चाहता हूँ तो देखिए क्या करेंगे, गिवन है गिवन है, क्या गिवन है, पहला सवाल, पहली बात कॉट थीटा, बहुत अच्छा सवाल है, कॉट थीटा
प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लस का साइन हट जाए, वो जब ही हटेगा जब इसको आप ब्रैक करके एलसीएम लेके कुछ करें आइडेंटिटी, तो देखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, आ गया, ये हो गया वन, ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये किस के बराबर आया एक्स के, तो मैंने एक्स की वैल्यू ऐसे ब्रैक कर ली, इसमें प्लस माइनस हट गया। अब मेरा ये आंसर, ये मुझे जवाब देगा बहुत बढ़िया करके, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक आंसर आ गया एक्स, ऐसे वाई का निकालेंगे, चलिए वाई का भी निकाल के देखते हैं। चलिए क्या है वाई का, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे भी साइन और कॉस में तोड़ लीजिए, तो वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वेरी गुड, अपॉन कॉस थीटा, ये मेरा वाई आ गया, आ गया वाई, ये मेरा वाई आ गया। चलिए साहब वाई आ गया, आप क्या करें, मेरे वाई की वैल्यू एक्स की, अब जो कह रहा वो निकाल लो, आंसर रख दो, अब आसान पड़ेगा आपको। ये लॉजिक समझाना था आपको कि प्लस का साइन हटाना है उधर से, माइनस का साइन हटाना, मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, अब आसान पड़ेगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले पहले एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू लेगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, भाई एक्स स्क्वायर यही तो होगा, इनटू वाई, वाई क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाई यही तो आया, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कट सकता है मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा, ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर वन अपॉन कॉस क्यू, वन अपॉन कॉस क्यू थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक क्यू थीटा का, चलिए लिख दीजिए, मैंने लिख दिया, मेरा एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए, सवाल करने का तरीका सीखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या निकालना था, फिर मैं वैल्यू रखूँगा, दूसरा था एक्स वाई स्क्वायर, ये निकालना था, ये मेरा आ गया, अभी थोड़ा पार, फिर मैं पावर चढ़ाऊंगा, पहले मैं अंदर के पुर्जे निकाल रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन की पावर फोर अपॉन कॉस थीटा, भाई वाई स्क्वायर रखूँगा तो अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट रख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, तो वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी साइन की पावर फोर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया, एक साइन थीटा थे एक साइन थीटा कट गया, तो यहाँ साइन क्यू थीटा बचेगा और ये कॉस क्यू थीटा, तो ऊपर आया साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा, ये हो गया टेन, हो गया हो गया। अब आप फार्मूला लगाइए जिस सवाल को करना है, मैंने अंदर की वैल्यू निकाल के दिखाई है ये वाली, अब ये आपका लॉजिक तो ये था, सवाल क्या था, ये था क्या था, एक्स स्क्वायर वाई की पावर दो बटा तीन माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर दो बटा तीन, यही तो थी, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने, सेक क्यू थीटा,
इसकी वैल्यू क्या निकाली, टेन क्यू थीटा। बोलो साहब आया। अब क्या करेंगे, तीन से तीन कट गया, यहाँ भी तीन से तीन कट गया, जिस सेक क्यू थीटा को ऐसा करके लिख दो, लो लिख दो आप ऐसे लिख दीजिए, चलिए सेक थीटा की पावर तीन लिख सकता हूँ सेक क्यू थीटा को, है इंटू दो बटे तीन, तीन से तीन कट गया, माइनस टेन थीटा की पावर तीन लिख सकता हूँ इंटू दो बटा तीन, जैसा अभी सवाल कराया था, ये कट गया, कट गया तो टेन, तो क्या बचा, क्या बचा, ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा, और ये किसके बराबर होता है, वन के, वन के, तो वो कह रहा ना प्रूफ दैट, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, प्रूफ कर दिया, ये मैंने लिया, ये मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया, प्रूफ कर दिया। मेन स्टेप इस सवाल में यही है, भारी सवाल है, काफ़ी भारी सवाल कहलाएगा बच्चों के लिए, कि मुझे प्लस है तो मैं, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है, अगर ये प्लस में होता तो मैं कर नहीं पाता, इसलिए मैंने इसका प्लस का साइन हटाया, तो मेरा एक्स की वैल्यू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आई, इसी प्रकार सेक का हटाया तो ये वाई की वैल्यू जो है ये आई आई। अब मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गए, और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ऐसा था, तो साइन से कट गया, कॉस क्यूब आया, कॉस क्यूब को मैंने सेक क्यूब लिख दिया, लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है। दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू निकाली पहले, अब इसके देखे एक्स की वैल्यू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वाई की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर कर दो तो साइन की पावर फोर इंटू ये आएगा, साइन से एक साइन कट के क्यू आया, तो साइन क्यू बटे कॉस क्यू ये टेन क्यू हो गया, मैंने इसकी वैल्यू रख दी, सवाल आ गया, समझ में आया, आया, चलिए उतारिए। तो अब आपको ये पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बहुत बेसिक लेवल से चलता चलता यहाँ तक आया, ठीक है, और कराएंगे, कराएंगे अभी, अभी सब कराएंगे, आप चिंता मत करो, सब तरीके के सवाल है, लेकिन ये बेसिक है, अगर इन सवालों को आपने सीख लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र मंडली को भी शेयर करिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जितने भी वीडियो बनना है उसका पहले से ही आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है, चलिए।